चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं एक नया वीडियो। दोस्तों हम आपको आज बताएंगे, दिखाएंगे एक सीमेंट और प्लाइस का ईंट कैसे बनते हैं। तो आज हमारे वीडियो सब बने रहिए, आपको दिखाते हैं। एक खाली कुआं है जिसमें पानी और प्लाइस को मिक्स करते हैं, और मिक्स होने के बाद इस पाइप के द्वारा दूसरे मशीन में जाता है। ये है गाड़ी, इसमें प्लाइस भर के कुएं में डालते हैं। तो आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ये कुआं ऐसे रेडी हो गया, भर गया है। अभी इसमें माल रेडी हो चुका है, इसको भरने में एक घंटा आधा घंटा लगते हैं। जब तक ये बराबर भर जाता है और गर्म पानी ठंडा पानी से भरा होता है। आपको दिखाते हैं ये पाइप द्वारा उसमें जाएगा। चलिए आगे इसके अंदर आ जाते हैं। ये पूरा सीमेंट का बोरी है, सीमेंट है और चूना है, वाइट चूना, और बहुत सारी बोरी कट्टे पे कट्टे लगे हुए हैं, पूरा चूना ही है। पूरा चूना है और एक सीमेंट है पीछे वाला सीमेंट, इसको सर पे लाद के उस पर रखना पड़ता है ले जाके चूना और सीमेंट को, वहाँ से लेके वहाँ तक गांज है। ट्रक से आते हैं भर भर के। ये देखिए ये चूना है, वाइट चूना, जो पुट्टी पुट्टी मारते हैं दीवार पर वही चूना है। और चलिए ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं। उसे उठाकर यहाँ पे रखना पड़ता है ताकि इसको लेने में आसानी हो। ये पूरा सिस्टम है आपका, इसमें 2-3-4 केमिकल डालते हैं इसके अंदर। ये इसमें पानी द्वारा उसका है, ये बॉयलर, इसमें पानी गर्म होता है, गर्म पानी हर जगह काम आता है। इसको चलाने के लिए दो बंदे अलग से रखे रहते हैं। इसमें लकड़ डालते हैं, लकड़ी, पानी गर्म होके बॉयलर हीटर में जाता है, और अभी जो कुआं पीछे देख के आया उसके अंदर भी जाता है। 2-3-4 जगह सप्लाई होता है इस पानी का, टाइम के हिसाब से सब चीज़ रखा हुआ है, टाइमिंग कर दिया है। बहुत सारी पाइप लगी हुई है, दो बंदे इसलिए रात दिन करते हैं, डे नाइट काम चलता है। और आइए आपको दिखाते हैं राइस कैसा होता है। राइस ये पूरा ट्रे है, ट्रॉली सांचा आता है, इसमें भरते हैं हम लोग, ग्रीस व्रीस मार देते हैं मोबिल, और उसके द्वारा जब उसमें मिक्स होता है, अभी वो चल रहा है, मिक्स होके इसके नीचे गिरेगा, दो बंदे ऊपर लगे हुए हैं उसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं केमिकल्स, सीमेंट और चूना, फिर इसके नीचे इसके अंदर गिरेगा, भर जाएगा। देखो उसमें चालू है, अभी बंदा खोलने जा रहा है, खुल गया। इसमें आधा से ज़्यादा भरता है, इसके बाद फूल जाता है, फूलने के बाद फूल हो जाएगा। अभी इसमें गिर रहा है, थोड़ा स्लो करके रखे हैं ताकि वो बाहर न गिरे, काफ़ी स्पीड होता है इसका। अभी इसमें एकदम समझो पूरा मिक्स हो गया अच्छा सा, ज़्यादा पानी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। देखो दो बंदे पारी पारी इसको करते हैं टाइम टू टाइम। अभी ये तो टाइम लेता है भरने में, इसको फिर भर जाएगा तो इसको खींच कर लेके आते हैं। सारी ट्रॉली ट्रिप चलता है, देखो हो गया, इसको बाहर लाएंगे। इसके ऊपर छन्ना रखा हुआ है ताकि इसमें गिट्टी, ईंट पत्थर कुछ भी हो छन के बाहर हो जाए। देखो ऐसे हो जाएगा, आधा भरेंगे तो पूरा फुल हो जाएगा, धीरे धीरे फूल कर। अभी ये शायद रेडी हो चुका है, इसका साइड से बोल्ट खोल लेंगे फिर वो अच्छा दिखने लगेगा। इसमें भरा हुआ आधा से कम भरा होता है, फूल कर फूल हो जाता है।
फूलता है, इसमें केमिकल डालते हैं फूलने के लिए। पूरा फूल हो गया, देखिए यहाँ से लेकर कम से कम 28-30 ट्रॉली भरते हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे, 30-25 बंदे रहते हैं काम करने के लिए, और एक काम डे नाइट चलता है, रात में अलग लोग कोई और लोग करते हैं, एक साथ 8-9 लोग रहते हैं। देखो उसको खोल रहा है, खुलेगा ये ट्रॉली, देखो पूरा फूल कर एकदम बराबर हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अभी ये टाइट हो गया होगा इसलिए इसको खोल रहे हैं, जब तक टाइट नहीं होता तब तक इसको खोलते नहीं हैं, ताकि देखो ऐसे इसको खसका के ले जाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, फिर इसके ऊपर सेट करते हैं ट्रॉली को। अभी देखो इसको ओपन कर दिए हैं, इसको कटिंग करते हैं ऊपर से और नीचे से, जहाँ तक वो दिख रहा है वो खड़ा उखड़ा, वहाँ से इसको कट करते हैं ऊपर से वायर को खींच के। अभी देखो वहाँ पे कटिंग चालू हो गई है, अब आगे चलते हैं देखने के लिए। देखो वो मशीन द्वारा उसके अंदर सेट करते हैं, तो मशीन चलती है, साइज जो साइज चाहिए होगा उस साइज को तार से सेट किया जाता है। देखो ये साइज दे दिया गया है, और लाइट इसका नाम है, कट कर रेडी हो गया है। देखो उसको ऊपर छाप देते हैं, होता है छापने के नाम, और उसको रेल को वहाँ पर लगा दिए हैं, सेट कर देंगे, टाइट कर देंगे, फिर इसको हिंच कर इसे हिंच कर वहाँ पर ले जाएंगे। हिंचने के लिए दो बंदे लगते हैं, एक हिंचता है, दूसरा पीछे से ठेलता है, ठेल कर ले जाएंगे। तो वो एक दूसरा कटिंग हो रहा है, अभी बंदा उसको ले जा रहा है हिंच कर, बहुत आराम से ले जाता है, ज़्यादा रफ्तार में ले गया, स्पीड में ले गया तो लुढ़क जाएगा, तो घाटा हो जाएगा। एक ट्रॉली को रेडी करने के लिए 5,000 का नुकसान होता है अगर गिर गया तो, इसलिए दो बंदे आराम से धीरे धीरे ले जाते हैं। वो ले गया, दूसरा रेडी हो गया। अभी इसको ऊपर जो भाग है थोड़ा सा उसको हटाते हैं, क्योंकि कटा हुआ है, डैमेज हो गया। ये पूरी मशीनें हैं तार से बना हुआ, देखो दूसरा आ गया, सेट कर दिए है इसके बराबर से, सेट नीचे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए वहाँ सिस्टम है, बंदा लॉक करता है यहाँ से और वहाँ से, दोनों साइड से। अभी लॉक कर रहा है इसको, लॉक करके इसलिए हैं ताकि वो आगे पीछे भागे ना मशीन द्वारा। अभी मशीन चालू नहीं किया, लॉक हो जाएगा, अभी चालू कर देंगे, चालू हो गया है मशीन, टाइट कर दिए हैं, देखो चालू हो गया है। अभी इसका कर देंगे साइज, जितने साइज का होता है उसको उतना साइज दिया जाता है, दे दिए गए, काफ़ी मस्त है, आराम से चलता है धीरे धीरे। तो उसे ऊपर का भाग हटा लिए जो ख़राब हो गया, जो बेकार हो गया, इसका कोई काम नहीं, वहाँ पे रहते हैं। दो गाड़ियाँ लगा रखी हैं, दो बंदे उसमें भी लगे रहते हैं, दो बंदे इसमें भी लगते हैं आगे पीछे। एक पीस कटने के लिए 7-8 मिनट लगते हैं पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट होने में। देखो अभी बंदा दूसरा उसको हिंच लाने गया है, तब तक यहाँ पे कट रहा है, दो बंदे आ गए हैं, इसको बगल का निकलता हुआ हिस्सा, देखो इतना मस्त दिख रहा है, इसको साफ करते रहते हैं ताकि गाड़ी इस पर चलती रहे, इसमें मोबाइल देते हैं। अब इसको हटा लिए, इस पर झाड़ू मारेंगे, इसको छपाई करेंगे साइज का, ऐसे ही देखो इसको इतना लगा कर रखें बाहर, क्योंकि हीटर अभी खाली नहीं होगा, इसको ऐसे एक बंदा हिंच कर ले जाता है, एक पटरी खाली रहती है उस पर सेट कर दिया जाता है, अगर हीटर में जगह नहीं होता है तो। देखो अभी हीटर के अंदर ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा हीटर है, हीट करता है, जो पानी बॉयलर से गर्म कर रहे हैं ना वो पानी इसके अंदर आता है, बहुत सारा भाप से,
तो बंदा इसके अंदर बहुत गर्मी, बहुत गर्म होता है हीटर, अभी बहुत कम होगा तभी आराम से ले जा पा, लेकिन फिर भी हीट रहता है। तो बंदा अंदर ले गया और एक बंदर दूसरा लाने गया है, और इससे निकल के वहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए उसको सारे बंदे लगा रहे हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। देखो कितना अंदर ले गए, एक के अंदर ऐसे 15 पीस आते हैं। और देखो वहाँ पे रखना चालू कर दिया, वो भी गर्म होता है, कितना हार्ड काम है, पूरा ईंट गर्म है। एक ईंट 25 किलो का है, 20 से 25 किलो होता है, और हाथ में ग्लव्स पहने होते हैं इसलिए उसको ले जाते हैं बरबर के। एक खाली करने के लिए 10 मिनट लगता है। दोनों बॉयलर है, एक है एक है, दोनों हीटर है, बॉयलर नहीं है। बॉयलर पानी होता है जो क्या था, इसके अंदर सिस्टम पूरा लगा हुआ है, देखो इतना टाइट होता है, इसको खोलने में बहुत टाइम लगता है। अगर दग गया समझो फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई, लेकिन बहुत सेफ्टी और दिमाग से काम किया जाता है। दूसरा लॉक हो गया, तीसरा देखो बंदा लेके आ रहा है, इसको खाली कर रहा है, देखो अभी बहुत गर्म है, इसके अंदर हीट के लेके आता है, बहुत टाइट होता है, आने में बहुत टाइम लगता है, सर से नहीं आते, आने में बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। लेकिन मंदिर के अंदर काफ़ी हिम्मत है और जुनून है काम करने के लिए। ऐसे के ऊपर लोडिंग कर लिए, इसको ऐसे ले जाएंगे ठेल कर, बहुत धीरे से गिरता है तो जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन अगर काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी वजन भी है, इसलिए दो बंदे एक काम के लिए लगते हैं, साथ साथ लेके जाते हैं साथ में, ताकि उनको दिक्कत ना हो। अब वहाँ पर लॉक किए, लॉक करने के बाद पटरी भी चढ़ा के ले जाएंगे, जिस साइड से उतारना है ठेल को ले जाते हैं, फिर तीन बंदे ले जाएंगे, क्योंकि गर्म भी है, भाप से गर्म है, पक्के अभी निकला हुआ है ना, इसको ले जाएंगे, सेट करेंगे वहाँ पे, 1 2 3 4 देखो बंदे कितने स्पीड में ले जा रहे हैं। बंदा फिर से इसमें निकलने लगा, काफ़ी टाइम हो गया, पक गया है, अब इसको रोकने के लिए 3-4 लोग, क्योंकि गर्म है, काफ़ी गर्म है, वो बंदा स्पीड में अंदर गया, काफ़ी गर्म भी है वो बॉयलर हीटर, देखो बुला रहा है बंदा, तब तक ले गया था इसको, देखो कितना अच्छा सेटिंग करके रखे है। एक ईंट 15-20 किलो के ऊपर होता है, 20-25 किलो। अभी यहाँ पे ऐसे रखेगा, पार्टी आएगी देखेगी तो ऑर्डर लेगी, ऑर्डर ले, ऑर्डर जितना होता है उतना तेज काम चलता है, काफ़ी अच्छे पीसेज में निकलते हैं, डिजाइन भी अच्छे दिए हैं, देखो टूटा हुआ पीस उस साइड अच्छा दिख रहा है। ये टूट गया है, मिस्टेक हो गया, इसलिए बगल इसको रख दिया, जो टूट जाए तो इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अंत हो गया, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़।